आप राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हो? हाँ जी, इसके लिए REAP, अब राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, हाँ जी ये काउंसलिंग चलती है। अब वैसे आप लोगों ने सुना होगा अभी, अब क्या होता है ये रीफ, हाँ जी क्या कैसे काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग चार्ज, चॉइस फिलिंग, अब कौन कौन से कॉलेज अच्छे भैया, ये TFWS सीट क्या होती है भैया, फ्री के अंदर पढ़ने को मिलेगा, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे जिले हैं, आजकल तो अब बहुत सारे जिले बना दिए गए भैया, अब पहले तो सिर्फ 30 जिला हुआ करता था, आज तो काफी सारे बन गए भैया, हर एक जगह जिला बन गया है, हर कोई जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे जिला, जी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने वाला दूसरी जगह थोड़ा सा दूर खड़ा है वहाँ पे जिला है भैया, हमारा कॉलेज कौन से जिले में है, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, टेक्नोलॉजी, R&D, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, क्या चीज है वहाँ पे, और नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा आफ्टर कंप्लीट द BTEC, क्या सारा सीन रहने वाला है, और कंप्लीट चर्चा करेंगे आज करेंगे राजस्थान अधोरा वाली धरती, अब की बातें हैं, अब रंगीलो मारो राजस्थान, आपने सुना होगा गाना, हाँ आप राजस्थान से बाहर से हैं, राजस्थान के बाहर से राजस्थान जाना चाहते हैं, और ठीक है आपकी भी बात करते हैं हम। वैसे तो राजस्थान के अंदर इंजीनियरिंग के लिए ऑलमोस्ट 14,000 से लेके 15,000 सीटें हैं भैया पढ़ने के लिए, 14,000 से लेके 15,000 सीटें इंजीनियरिंग कॉलेजों में, लेकिन विडंबना की बात यह है अब कि सिर्फ 1500 से लेके 2000 सीटें ही पढ़ने लायक है, बाकी सारे कॉलेज ना लायक है, हाँ जी बेकार, एकदम घटिया है, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, एकदम बेकार, अब वहां पर एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है। अब वैसे तो राजस्थान में काफी सारे जिले हैं, कुछ जिलों की बात करूंगा, जैसे कि जयपुर, सीकर, नागौर, हाँ बाड़मेर, पाली, दौसा, डूंगरपुर, काफी सारे इधर हनुमानगढ़ हो गया, एंड और भी बहुत सारे काफी सारे जिले हैं। वैसे मैं भी राजस्थान से हूँ, अब लेकिन मेरे राजस्थान के बारे में ऐसी बातें सुन के बहुत बुरा लगता है भैया, बहुत बुरा लगता है, हमारे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वहाँ पे R&D, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, लैब्स, अब इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ अच्छे कॉलेज भी है वैसे, कुछ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी है, तो ब्रांड प्राइवेट कॉलेज आज इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, Tier 1 कॉलेज बीट्स पिलानी भी अब झुंझुनू के अंदर ही है। अब लेकिन हाँ थोड़ा एनवायरमेंट और कल्चर के बारे में भी बात करेंगे कि राजस्थान बर्बाद कैसे हो रहा है, आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो भी राजस्थान में ही है भैया, और ये इंजीनियरिंग का अनएम्प्लॉयमेंट से राजस्थान में क्या कनेक्शन है वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहला बात करते हैं स्ट्रीम की, देखो जब भी बच्चे 10th पास करते हैं उनके पास ऑप्शन रहता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का, हाँ जी, तो राजस्थान में क्या होता है, देखो राजस्थान में क्या होता है ना, स्ट्रीम जो होता है, अब जब भी बच्चे 10th पास करते हैं उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जब भी बच्चा 10th पास करता है 70% बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं, उसके बाद बच्चे 20% बच्चे क्या करते हैं भैया वो कॉमर्स में जाते हैं, और 10% बच्चे लेते हैं साइंस स्ट्रीम, हाँ जी भैया साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब राजस्थान के बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं भैया, मेहनत बहुत करते हैं, आजकल कोचिंग में बहुत सारी आ चुकी है, नीट की तैयारी करा रहा है, कोई JEE की तैयारी करा रहा है, कोई एडवांस की तैयारी करा रहा है, खूब पढ़ रहे हैं भैया, खूब पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं ये हमारे राजस्थान में क्या होता है, अब बहुत सारी एकेडमीज होती है आजकल, हाँ जी भैया एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी, कर ले तो इसकी तैयारी कर ले, इंडियन आर्मी में चले जाइए, देश के लिए मरना है तेरे को, देश के लिए मरना है तेरे को, हाँ जी वैसे तो आज इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अंदर सबसे ज्यादा लोग कहां से जा रहे भैया, कहां से जा रहे, राजस्थान ही है जो कि यहाँ पे लोगों को भेज रहा है, अब तो ये आर्मी वाले क्या करते हैं वैसे, वो आते वो स्कूल वालों से डिटेल ले लेते भैया, इसने तेरे से पढ़ लिया, 12th पास कर लिया, अब तेरे पास इसकी क्या जरूरत है, तेरे को पकड़ तू, 2,00,000 पकड़ तू, ये जितने भी बच्चे तेरे से पढ़ के गए मुझे दे दे सारे का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ दे दे, अब वो क्या करते हैं भैया, वो क्या करते हैं, वो एड बनाते अपना और उनको टारगेट करते हैं भैया, इसकी ये ईमेल आईडी, इसका ये व्हाट्सएप नंबर,
व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस डालना स्टार्ट भैया, हमारा ये कोचिंग अगर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, वरना पैसा वापस। बच्चे क्या करते हैं भैया, बच्चे चले जाते हैं उनके पास, भैया इंडियन आर्मी में जाना है जी, इंडियन आर्मी में जाना है, शरीर तो एकदम मेरा दुबला पतला सा है, कोई बात नहीं सिखा देंगे तेरे को, सिखा देंगे तेरे को, भिजवा देंगे इंडियन आर्मी के अंदर, तैयारी कर, तू तैयारी कर सिर्फ 2 लाख रुपए पर। बच्चा भैया तैयारी करते हैं, 2 लाख रुपए उसने लगा दिया, पहली बार आने वाले 1 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं 2 लाख तो लग चुके हैं, राजस्थान के लोगों के पास रोजगार का साधन क्या, खेती भैया 2 लाख रुपए लग गया, कोई बात नहीं 1 साल और तैयारी कर, तू 1 साल और तैयारी कर, 1 लाख और जमा करा उसने, और जमा करा भाई, अभी तो 17 साल हुई है, 17 साल हुई है, कम से कम 20 साल तक तो कर तू तैयारी, अब 20 साल तक 3 साल 4 साल 5 साल लगातार वो करा भैया, इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी बहुत सारे एग्जाम आ रही है गवर्नमेंट, अब कोई बात नहीं, नहीं हुआ तेरा, अब तू ऐसा कर, तू बीएससी कर ले, तू किसी कॉलेज से लगा रहे इस फील्ड के अंदर, होगा मेहनत कर, इमोटिवेशनल डायलॉग सुनाते उसको, करता जा कोई बात नहीं, कर रहा भैया, कर रहा है ऐसे आते आते उसकी उम्र होगी 25 साल, और रिश्तेदार बोले भैया शादी क्या होगा, बच्चे इतने बड़े हो गए शादी नहीं कराओगे क्या इसकी, अब भैया ठीक है शादी कराते इसकी, अब घर वाले करा देते उसकी शादी भैया, उसके पास ना कोई नौकरी है ना वो पैसा कमा रहा, भैया शादी भी हो गई, अब वो क्या करेगा भैया, क्या करेगा, वो है बेरोजगार, राजस्थान में बेसिकली ऐसे बेरोजगार हो रहे हैं। और दूसरा बेरोजगार होने का और तरीका बताता हूँ, दूसरा क्या तरीका है, अब दूसरा क्या, आप जाते हो लल्लू लाल कॉलेज में भैया, अब ये डिस्ट्रिक्ट है लल्लू लाल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे इंजीनियरिंग करोगे तुम, ज्यादा कोई फीस नहीं है तुम्हारी, एक सेमेस्टर का तुमसे सिर्फ 15,000 रुपए लूंगा, डिग्री दूंगा बीटेक कंप्यूटर साइंस, एकदम इंजीनियर तुमको बना दूंगा, नाम क्या क्या लगेगा, इंजीनियर फलाना राम, नौकरी की कोई चिंता नहीं उनको, स्किल नहीं, नो स्किल प्रोफेसर, सिर्फ 15,000 रुपए कमाने वाला तुमको पढ़ाएगा, और डिग्री भी दे देते भैया, एकदम पास आउट डिग्री मिल गई तुमको, इंजीनियर तुम बन चुके हो। दूसरा स्कैम का तरीका ये है। अब तीसरा क्या तरीका है, तीसरा है बीएससी। हाँ जी, अब राजस्थान में क्या होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट के बीएससी को ले चलते हैं भैया, जो कि 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन देते हैं। हाँ जी, और 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन देते हैं, आप क्या करते हो, वहां पे जाते हो, गवर्नमेंट का एक पोर्टल चलता है जहां पे बच्चे जाते हैं, वहां पे बीएससी करते हैं, वो बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, 3 साल का कोर्स चलता है, उसके अंदर प्लेसमेंट का कुछ नहीं होता प्रोसेस, आपको क्या करना होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती है भैया, इंडियन आर्मी नेवी नहीं, इसमें यह नहीं होता, इसमें क्या होता है, उसमें होता है पटवारी, रेलवे, रीट, पुलिस ऑफिसर, हाँ जी, अब ये बैंक पीओ, सरकारी नौकरी, सरकारी प्यून, टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, ये किसमें होता है, ये होता है बीएससी वालों के लिए, और उसमें भी वो आपने 3 साल की कर ली वो डिग्री, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास आएगी कोचिंग कर लो तुम रीट की करो, टीचर की करो, अब पीओ की करो, प्रिंसिपल की करो, प्रिंसिपल बन जाओगे भैया, सैलरी मिलेगी नीचे से और कमाओगे, वो अलग से बच्चे भैया प्रिंसिपल बनते हैं फिर उनका भी वही 25 साल वाला प्रोसेस, 25 साल का हुआ, और भैया नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, हाँ आप शादी कर दो इसकी, और बेरोजगार, फिर वो जाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात फैक्ट्री में लेबर की नौकरी कर रहे हैं, अब जिंदगी बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो रही है राजस्थान के युवाओं की। हाँ जी भैया, अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है इसके लिए, कोई बात नहीं, आज मैं आपकी सारी के सारी समस्याएं खत्म करने वाला हूँ। आप लोग भी वैसे बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं जी, रीट की काउंसलिंग करेंगे, राजस्थान की काउंसलिंग करेंगे भैया, राजस्थान के कॉलेजों में पढ़ेंगे, आप कैसे पढ़ोगे, तुम नौकरी तो वहां पे मिल नहीं रही है। हाँ जी, मैंने तुमको बताया 14,000 सीटें हैं, सिर्फ 2,000 3,000 1,500 सीटें काम की है, अब थोड़ी काम की बात करते हैं, राजस्थान की काउंसलिंग कैसे करोगे तुम। हाँ जी, राजस्थान के कॉलेजों में एडमिशन कैसे मिलेगा तुम्हें, कौन कौन से राउंड होते हैं, टीएफडब्ल्यू सीट क्या होती है, फीस कितनी लगती है, प्लेसमेंट कितना लगता है, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेब, आरएनडी, प्रोफेसर, कंप्लीट चर्चा करता हूं अभी। अब बहुत होगी बेरोजगारी की बात करते हैं रीट काउंसलिंग की। हां जी भैया, बहुत बोर हो चुके होंगे आप भी कि क्या बता रहा है लड़का, 10 मिनट तो हो चुका है पूरा। हां जी, अब रीट की बात करते हैं अभी। अब REAP, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, तो सबसे पहले बात करते हैं TFW सीट की, ये क्या होती भैया, तो देखो जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रोसेस में बटा होता है, पहला क्या होता है, पहला होता है ट्यूशन फीस, दूसरा होता है एकेडमिक फीस। ट्यूशन
ट्यूशन फीस में बहुत फीस लगती है भैया, लाखों रुपए। अगर आपकी 10 लाख रुपए फीस है तो उसमें से 8 लाख रुपए क्या होगी, ट्यूशन फीस होगी। 2 लाख रुपए एकेडमिक फीस में कौन कौन सी आती है, लाइब्रेरी, आपका डेवलपमेंट चार्ज, आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट चार्ज, ये छोटे मोटे चार्ज होते हैं, इनको बोलते हैं हम एकेडमिक चार्ज। हाँ जी, तो जैसे आपकी अगर आपको अगर TFW सीट मिलती है तो आपकी अगर कॉलेज की फीस 10 लाख है तो आपको सिर्फ फीस देनी है 1 से 1.5 लाख रुपए, वो भी 4 साल के अंदर, एकदम मजे हो जाएंगे अब। लेकिन ये जो है किसी भी कॉलेज के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग होते हैं उसमें सिर्फ 2 सीटें होती है। हाँ जी भैया, 2 सीटें होती है, काफी कम सीटें हैं, लेकिन आपकी अगर अच्छे मार्क्स हैं जरूर मिल सकती है, जरूर मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं रीव का काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है। अब वैसे तो रीव का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, राजस्थान वाले बच्चों के लिए सबसे जरूरी है कि भैया आप कौन सी ब्रांच चूज करो। भैया अब तुमको समझ नहीं आ रहा भैया, ये कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, माइनिंग, प्रोडक्शन, सिविल, मैकेनिकल, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, 4 साल बाद कौन सी चलेगी, 5 साल बाद कौन सी रहेगी नहीं रहेगी, कौन सी करे कौन सी नहीं करे। हाँ जी, कौन सी करे कौन सी ब्रांच ले हम, कोई बात नहीं, इसके लिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है, collegejankar.com दिया है, वहां पे जाके विजिट करो। तुम दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपकी जिंदगी बदल दे रहे हैं उस प्रोग्राम से, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशन, भैया आपका पेमेंट फेल हो गया, आपका फॉर्म नहीं भर रहा, आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ कितना है, मेरिट लिस्ट कब आएगी, एडमिशन का क्या प्रोसेस है। भैया हैं, आप नागौर से हो, बाड़मेर से हो, राजस्थान से हो, कानपुर से हो, जयपुर से हो, कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन है collegejankar.com, उस पर जरूर से विजिट कर सकते हो। भैया बोर्ड लाइन नंबर दिया है, इस पर जरूर से कॉल लगा सकते हो आप लोग। अब आगे की बात करते हैं भैया, राजस्थान का क्या प्रोसेस है, हां राजस्थान में एडमिशन कैसे मिलेगा, इसके कौन कौन सी शर्तें हैं वो भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमारे राजस्थान में एक कहावत चलती है, अपने तो अपने ही होते हैं जी। भैया अपने तो अपने ही होते हैं, राजस्थान भी यही करता है भैया, अपने तो अपने ही होते हैं जी, राजस्थान वाले तो राजस्थान वाले ही है। तो रीप क्या बोलता है, जो राजस्थान के लोग हैं उनके लिए 85% सीटें रिजर्व्ड है, यानी कि अगर आप राजस्थान से हो तो आपको 85% सीटों में से मिलेगी। अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 85 सीटों में से आपको एक सीट मिलेगी, और अगर कोई आउट ऑफ राजस्थान से है तो उसको 15 सीटों में से एक सीट मिलेगी। तो राजस्थान वालों के लिए एडमिशन के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, अब इसमें आगे क्या चलता है, इसमें जो राउंड होते हैं भैया, पहला जो राउंड होगा वो होगा TFWS सीटों का, पहले मैंने आपको बताया ना, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपको ट्यूशन फीस माफ हो जाती है भैया, बहुत कम पैसे लगते हैं इसके अंदर, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सारी ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है भैया, उसके बाद में राउंड होते हैं अलग अलग प्रकार के। पहले राजस्थान क्या करता है, राजस्थान वाला बोलता है रीप वाला कि यार ये जो काउंसलिंग होती है इसके अंदर बाहर वाले बच्चे बहुत कम है, पहले इनका किस्सा खत्म करते हैं। तो एक अदर स्टेट वालों का राउंड निकाल देते हैं, वो सबसे पहले राउंड वन निकाला उनका, कोई बात नहीं आपको सीट मिली है कोई बात नहीं, फीस भर दो आप। हाँ जी, आप जो है फीस भर दो, आप कॉलेज में जाके भरो, ऑनलाइन भरो, आप फीस भर दो, आपकी डेडलाइन है। हाँ जी, अब ठीक है भैया, फीस भर दी हमने, फीस भर दी, अब उसके बाद में क्या करता है आपको, आपने फीस भर दी, हाँ जी, आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए जाना चाहते हो भैया, आपको कोई तीन नंबर, आपने जो चॉइस फिलिंग करी थी, वो रीप क्या करता है कि यार मेरे पास इतनी सारी कॉलेजेज है, 14,000 सीटें हैं। हाँ जी, तू ऐसा कर, तू चॉइस फीलिंग्स कर दे, मेरे को बता दे कि तेरे को सबसे पहले किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच चाहिए, दूसरे पे कौन सा चाहिए, तीसरे पे कौन सा चाहिए, चौथे पे कौन सा चाहिए, तू बस मुझे अपनी चॉइसेस बता दे। अगर तेरे अगर सबसे ज्यादा नंबर है तेरे को मैं पहली दूंगा, तेरी जितनी रैंक है उसके हिसाब से मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन तू अपनी चॉइसेस मुझे बता कि पहले नंबर पे ये चाहिए, दूसरे पे ये चाहिए, तीसरे पे ये चाहिए। अब जो रीप क्या करता है, रीप बोलता है भैया तेरे को सीट मिल चुकी है, अब कोई बात नहीं, तेरे को अगर पहली मिली है तो कोई बात नहीं, अगर तेरे को दूसरी मिली है तो क्या तू पहली की तरफ जाना चाहता है। हाँ जी, अगर तेरे को 10वीं मिली है तो क्या तू 10 से ऊपर जाना चाहता है, क्या 10 से नीचे, आई मीन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसकी तरफ जाना चाहता है। हाँ जी, तेरे को 10 नंबर तो मिल चुके हैं, तूने ले भी लिया, लेकिन तेरी चॉइस तो ये थी ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन तेरे को तो 10 नंबर की मिली है, अब इसका मतलब तू ऊपर वाले में थोड़ा ज्यादा खुश है, लेकिन मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूँ, वो अपवर्ड मूवमेंट का,
बहुत सारे बच्चों ने सीट एक्सेप्ट नहीं की, मैं तेरे को आगे भी बढ़ा सकता हूँ, अगर तू चाहता है तो तू अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दे। बच्चा बोलता है ठीक है जी भैया, ठीक है अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देता हूँ, अगर उसको उसमें मिलती है अपवर्ड मूवमेंट में तो ऊपर वाली देते थे वो। इस प्रकार से ये गेम खत्म। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बोलते हैं राजस्थान वाले, हाँ जी राजस्थान वाले का राउंड निकालता हूँ, अब कोई बात नहीं तुम्हारे लिए राउंड वन निकाल रहा हूँ मैं, राउंड वन में सीटें देती भैया उनको दे दी। अब ठीक है कोई बात नहीं, राजस्थान वालों को सीटें मिली है, अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए भी अपवर्ड मूवमेंट निकाल देते हैं भैया, हाँ अपवर्ड मूवमेंट तुम्हारे लिए भी निकाल दिया, कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ी सीटें बच गई है, एक राउंड और निकाल देता हूँ, हाँ जी दूसरा राउंड निकाल दिया। अब ठीक है भैया दूसरा राउंड भी हो गया, उसके बाद क्या होता है थोड़ी बहुत सीटें बची होती है, कोई सी कॉलेज में सीट है कोई सी कॉलेज में सीट नहीं है। रीप क्या बोलता है, रीप बोलता है यार बस ठीक है हो गया, अब कॉलेज वालों को बोलता है अच्छा कॉलेज ऐसा कर मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपने हिसाब से तेरे पास अगर कोई सीटें बची है तो अपने हिसाब से जो भी आ रहे हैं उनको अखबार में निकाल दे कि मेरे पास इतनी सीटें बची है, जिसको भी लेना हो वो इतनी बजे इस टाइम पे आ जाए। अब ठीक है भैया कॉलेज वाले बोलते हैं ठीक है हम अपने हिसाब से बेच देंगे अपनी सीटें कोई बात नहीं, और इस प्रकार से काउंसलिंग खत्म हो जाती है। अब लेकिन ये रीप क्या करता है, रीप एक गवर्नमेंट बॉडी है, अब रीप जो है रीप के अंदर प्राइवेट कॉलेज भी आता है गवर्नमेंट कॉलेज भी आता है, जैसे पहले भी मैंने आपको बता रखा है। अब रीप क्या करता है कॉलेजों को बोलता है भैया मैं तुम्हारी सीट भी भर दूंगा, प्राइवेट कॉलेज जो तू तेरे को भी एडमिशन करा दूंगा गवर्नमेंट को भी एडमिशन करा दूंगा। प्राइवेट कॉलेज वाला बोलता है भैया तू तो अपने हिसाब से एडमिशन करता है, तू अपने हिसाब से एडमिशन करता है, जिनके ज्यादा मार्क्स होते हैं उनको एडमिशन देता है मेरे कॉलेज में, मेरे दादा के नाना के चाचा के मेरे दोस्तों के मेरे कॉलेज वालों के, मैं तो प्राइवेट कॉलेज हूं ना तो मेरे को भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं भाई कि मैं अपने दोस्तों को भी एडमिशन दे सकूं, हां जी मेरे रिश्तेदार को भी दे सकूं, जान पहचान वाली भी है मेरे तो काफी सारे उनको भी तो देना चाहता हूं, मेरा प्राइवेट कॉलेज है भाई। और तो रीप बोलता है ठीक है अब तू 15% सीटें अपनी रख ले, अगर तेरे पास अब 100 सीटें हैं तो 85% सीटें पे कब्जा मैं रखूंगा, तेरी जो 15% सीटें हैं वो तू अपने हिसाब से भर ले, तेरे को किसी से ज्यादा पैसे लेने हैं तो वो भी ले ले, कम पैसे लेने वो भी ले ले, वो तेरा काम है, लेकिन जो 85% सीटें हैं उस पे तो मैं अपना अधिकार रखूंगा भैया, मैं रीप हूं गवर्नमेंट हूं मैं खुद करूंगा एडमिशन उनमें, अब तू 15% पे तू कर ले। हाँ जी तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, आप प्राइवेट में डायरेक्टली जा सकते हो भैया, वो वैसे आपसे ज्यादा पैसे मांग सकते हैं वो, हाँ जी आपकी ये हमारा मैनेजमेंट कोटा है कोई बात नहीं, मैनेजमेंट टीचर्स प्रोफेसर डीन वो अपने हिसाब से बांट सकते हैं भैया, वो इलीगल नहीं है वो लीगल प्रोसेस है, वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो आपको देने पड़े। हाँ जी वैसे तो आजकल बहुत पैसे काट रहे हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, लाखों रुपए ले रहे हैं और जॉब दे रहे हैं 15,000 रुपए पर मंथ 14,000 रुपए पर मंथ। हाँ जी एक मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, अब ये अच्छे कॉलेज मिलेगा कहाँ पे भैया, अच्छे कॉलेज कहाँ पे मिलेंगे उसको आप लोग जरूर से देखो भैया, वो कैसा है उसके अंदर क्या होता है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा भैया अच्छा कॉलेज कौन सा लूँ मैं, हाँ जयपुर में लूँ सीकर में लूँ गंगानगर में लूँ पाली में लूँ अजमेर में लूँ और यार राजस्थान में लूँ ही ना है कहाँ पे लूँ, अगर आप भी परेशान है यार नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 10 लाख रुपए लगा रहे हो भैया 10 लाख रुपए लगा रहे हो आप, इसलिए थोड़ा जरूरी है पेशेंस से आना इंजीनियरिंग में, ना बिल्कुल ना घबराना, इसलिए आपके लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर कॉल करके आप लोग एक बार सलाह जरूर ले सकते हो भैया राजस्थान के क्या अच्छा है, वैसे राजस्थान में वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, ना अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना टेक्नोलॉजी है ना R&D है, वैसे तो बहुत कम फैसिलिटीज है, आप इंडिया के सिलिकॉन वैली में कैसे पढ़ाई कर सकते हो, एक मैंने आपको बताया है कि एक मैंने एक वीडियो और बनाया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए। हाँ जी इंडिया के सिलिकॉन वैली मुंबई दिल्ली अब वैसे बहुत सारी जगह है जहां पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आपका कोई स्टार्टअप का आइडिया आप स्टार्टअप भी कर लोगे आप आसानी से, R&D टेक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, उसके लिए क्या करोगे, हाँ जी उसके लिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में इनरोल कर सकते हो भैया, हम आपको एकदम एक्सपर्ट बना देंगे, अब आप बिल्कुल समझ जाओगे भैया नौकरी तो मिलेगी मेरे को, हाँ जी या फिर नौकरी नहीं मिलेगी मेरे को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपको एक्सपर्ट बना देखे, डोंट वरी। आप अगर चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि भैया ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, हाँ जी ये रीप काउंसलिंग प्रोग्राम इसके अंदर कौन सी चॉइस कैसे फिल करते हैं, कौन सा प्रोग्राम हमको लेना है, कौन सा कॉलेज हमको लेना है नहीं लेना है, आप अगर आपने मुझे अगर अब 100 कमेंट करके बताया, हाँ जी आपने अगर मेरे को 100 कमेंट करके बताया तो मैं आपके लिए जरूर से एक वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल आपको स्क्रीन के ऊपर भर भर के सारी की सारी चॉइसेस भर के आपको मैं दिखाऊंगा, उसके लिए आप मेरे को 100 कमेंट कर दो, मैं आपके लिए जरूर से वीडियो बना दूंगा। अब थैंक यू सो मच।